हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस समुंदर का मच्छी का चिल्ली बनाने वाली हूँ। इसका अंदर अड्डी या काटा नहीं होता है। लोगों को ये मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अभी इस मच्छी को मैं अच्छे से साफ करूँगा। इस मच्छी में तो आधा केजी है, एक ही मच्छी लाया है, मेरे को आधा केजी मच्छी काफ़ी था। देखिए, इस मच्छी को मैं भी साफ करूँगा। इसका सर है ये, या ऐसा खींचेगा तो आ जाएगा। और इसका आँख होता है ना, देखिए ये आँख है, देखिए इस ये मैं डालता हूँ। देखिए इसका सर है ना, इसका सर, इसका ऊपर का ऐसा रहता है ना, ये मैं डालूँगा चिल्ली करने के लिए। कोई कोई नहीं डालता है, आप लोगों को पसंद नहीं आया तो नहीं डालिए। तो अभी मैं इसको कट करूँगा। देखिए अब मैं इसको अच्छे से कट करूँगा छोटा छोटा। आप लोगों को पसंद है तो डाल सकते हैं, आप लोग नहीं खाएगा तो मत डालिए। किसी को उसको पसंद भी नहीं होता है ये डालने का और खाने का। देखिए मैंने इतना ऐसा कट किया है इसका सर को। देखिए अभी मैं इसका ऊपर का स्किन निकालता हूँ। देखिए इसका स्किन आराम से आ जाता है ऐसा। करी भी बन सकते हैं, बहुत सारा रेसिपी इसका बनाता है। इसका ऊपर का स्किन मैंने निकाला है, इसमें इस साइड का तो नहीं जा रहा है, देखिए नहीं आ रहा है, तो ये रहने दो। कोई कोई स्किन भी डालता है, तो मैं अभी इसको कट करूँगा। इसका कांटा या अड्डी सब नहीं होता है। देखिए इसका अंदर का ये सब नहीं डालने का। देखिए इसका अंदर एक प्लास्टिक टाइप का होता है, देखिए अंदर इसका। अरे तो ये भी मैं नहीं डालूँगा इसका अंदर का। इस मच्छी का अंदर क्या सब है ना, वो नहीं डाल रहा हूँ मैं। देखिए अभी मैं इसको छोटा छोटा कट करूँगा। देखिए अभी मैं इसको लंबा लंबा कट करके इसे छोटा छोटा कट करूँगा। मैंने इस मच्छी को अच्छे से साफ करके पानी में धोकर लाया हूँ। अब इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगा। मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा विनेगर लिया हूँ, विनेगर लेता हूँ एक टी चम्मच जितना है, और थोड़ा सा नमक भी डाल रहा हूँ, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगा, और मैं अच्छे से मिक्स करके रखूँगा इसको आधा घंटे के लिए। ढक्कन ढक के रखूँगा। मैंने एक बनाले रखा है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। गरम होने के बाद थोड़ा सा मैं तेल डालूँगा। तेल गरम होने के बाद मैंने आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा था ना, ये मच्छी ये भी इसको डालूँगा। पकने चाहिए, थोड़ा पानी, इसके अंदर का पानी है ना
इस मच्छी का, ये छोड़ने को स्टार्ट करता है तभी तक अच्छे से पकने दे तेल पे। दो तीन मिनट लगता है। देखिए इस मच्छी अच्छे से पानी भी पकते वक्त इससे बाहर आता है, देखिए इस मच्छी से। तो अभी मैं, दो मिनट तो हो गया, अभी मैं इस मच्छी को निकालूँगा। देखिए निकाल के दूसरा प्लेट में डालूँगा इसको। मैंने निकाल के एक प्लेट में रखा है मच्छी को। अभी मैं इसमें ऑलरेडी तेल है, देखिए बचे हुए तेल है। अभी मैं इसको दो प्याज क्यूब टाइप कट करके रखा है, और एक टोमेटो और तीन मिर्ची। तो मैं अभी इसको डाल रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज होने तक पकने दे। देखिए प्याज सब थोड़ा सा कलर चेंज होके दो मिनट तक पका है, पूरा नहीं पका है, अभी मसाला डालने को बाकी है इसमें। अभी मैं बड़े चम्मच में एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस भी डाल रहा हूँ, और अच्छे से मिक्स करो। अभी मैं पका के रखा था ना ये मच्छी, ये भी डालूंगा इसको। और मैं फिर से अच्छे से मिक्स करूंगा। नमक तो मैंने मैरिनेट करने टाइम में भी डाला था, और सॉस में भी सब नमक होता है, इसीलिए देख कर डालना पड़ेगा। मैंने देखा है कि इसमें नमक का ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए मैं अभी इसको नमक नहीं डालूँगा। अभी ये 5 मिनट तक अच्छे से पकने दे मसाले के साथ। देखिए इसका पानी सब अच्छे से सूख गया है, और ये चिल्ली रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी मैं चूल्हे से नीचे उतर के रखूँगा, और ठंडे होने के बाद खाऊँगा। देखिए कितना अच्छा सा चिल्ली रेडी हो गया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने आज रेसिपी किया है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं खाकर भी दिखाऊंगा कैसा हो गया करके। बहुत ही अच्छा हो गया है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।